हेलो दोस्तों, मैं उमेश साहू, आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम जो पैसा जमा करते हैं उस पर हमें 4% एनुअली इंटरेस्ट मिलता है, यानी 4% आपको ब्याज मिलेगा। जैसे कि आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में, तो आपको एक साल बाद 104 रुपये मिलेंगे, 4 रुपये आपका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट जो है वो करंट अकाउंट है और उसमें आपने पैसे जमा किए हैं, तो आपको एनुअली 0% इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 0% इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग करंट अकाउंट क्यों खुलवाएंगे। करंट अकाउंट में कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिसके कारण लोग करंट अकाउंट को भी प्रेफर करते हैं, तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। सबसे पहली फैसिलिटीज है, जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें आप लिमिटेड ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो, यानी कि हर बैंक अपना एक लिमिट बना के रखा है कि अगर आप इससे ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके लिए एक चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका उसी बैंक में सेविंग की जगह करंट अकाउंट अगर आपने ओपन किया है, तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप कितने भी ट्रांजेक्शन करो, कोई भी ATM यूज करो, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है अगर आपके पास सेविंग अकाउंट की जगह करंट अकाउंट है। भले आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी कि आप एक महीने में कितने भी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दूसरी बात है, सेविंग अकाउंट में आपको एक मिनिमम बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जब आप अकाउंट खोलते हो तो आपका अकाउंट 500 या 1000 रुपये से खुलता है, वो बैलेंस आपको मेंटेन रखना पड़ता है आपको सेविंग अकाउंट में। अगर आपने उतना बैलेंस आपने बैलेंस बना के नहीं रखा आपके अकाउंट में, तो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। आपने शुरू में 0 बैलेंस कर दिया है, आपको लास्ट तक उसका जो मिनिमम बैलेंस है उतना लिमिट बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन फैसिलिटीज एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है आपके करेंट अकाउंट में, आपको कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, आप अपना बैलेंस जीरो कर सकते हैं।